कॉटन सूटों का कलेक्शन लेकर कर आई हूँ, क्योंकि जो मेरे पास सूट है उसका मैं आपको वीडियो बताऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा सूट है, ये सिलावा सूट नहीं है। ये आपको दिखते जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि प्रिंट वाला सूट है, पेंटिंग वाला सूट है, ब्लॉक प्रिंट वाला सूट है, वो यही सूट है। आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये उतरने वाला है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरे पास में ये पड़ा ही था सूट, तो मैं ये वीडियो बनाऊँगी तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये प्रिंट वाले सूट कैसे होते हैं। तो ये ऐसे वाले होते हैं, ब्लॉक प्रिंट वाले सूट बिल्कुल भी उतरने वाले नहीं है। तो ये क्योंकि ब्लू कलर का लहंगा है इसका, तो ब्लू पे तो या तो ऑरेंज ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ऑरेंज अच्छा लगता है इसके ऊपर, ये ऑरेंज कलर का लहंगा है। ये साटन है, ये इसकी शाइनिंग बिल्कुल भी उतरने वाली शाइनिंग नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये और बहुत ही चमक और बहुत ही शाइन है इस लहंगे के अंदर। जब मैं इसको सिलवाऊँगी तो इसका भी वीडियो आपको मैं जरूर बताऊँगी, क्योंकि मैं मेरे सूटों का कलेक्शन बता रही हूँ। ये इसकी ओढ़ नहीं है, मैंने इस पर ये गोटे भी लगाए थे। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ ना कि वीडियो के अंदर के फुल साइज की ही ओढ़नी आती है, छोटी ओढ़नी बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि ये मेरा ऑनलाइन से ही मंगाया हुआ सूट है ये। तो ये एक मेरा खुद के कॉटन के सूट का कलेक्शन। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, पेंटिंग वर्क वाला सूट बता रही हूँ, जिसका मैं जोड़ भी डालती हूँ पेंटिंग वर्क में। ये मेरे पास रेड कलर का इसका जोड़ा है पेंटिंग वर्क में, आप देख सकते हैं। ये इसकी ओढ़नी है, ये देख सकते हैं, इसके अंदर पूरे के अंदर ये पेंटिंग के फ्लावर है इसके अंदर। मैंने इसको अभी तक एक बार भी नहीं पहना है, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको लिए हुए मुझे, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं डाला। ये देख सकते हैं, आपको पूरे ओढ़नी में ही आपको ये पेंटिंग वर्क मिलेगा ही। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि उतरेगा करेगा नहीं। इसका लहंगा, इसके नीचे अगर ग्रीन कलर का पेटीकोट पहने तब ही इस लहंगे को पहन सकते हैं, क्योंकि ये लहंगा बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा इसका कपड़ा है जो पतला है, इसमें ग्रीन कलर का पेटीकोट ही चलता है मेरे, क्योंकि मैंने इसका ग्रीन कलर का पेटीकोट सलवार का सेम इसी का, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि कपड़ा कितना पतला है। इसका कपड़ा थोड़ा पतला ही है। तो ये आप देख सकते हैं, पूरे पे ये पेंटिंग वर्क मिलेगी, जो मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बताती हूँ, पेंटिंग वर्क ये ऐसा पूरा सूट आएगा ये इसका। तो ये तो हो गया मेरे इस सूट का कलेक्शन। अब आपको जो मैं बताने जा रही हूँ वो दूसरे सूट का कलेक्शन बताऊँगी अभी। तो ये भी आप देखिए, अब मैं आपको जो हमेशा बताती हूँ कि जाल वर्क किसको कहते हैं, ये अब आप देखना, क्योंकि ये मेरा ऑरेंज कलर का जोड़ा है जो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाया है। ये इसमें आपको मैं बता रही हूँ किस तरीके का पूरा गोल्डन कलर का जो वर्क आता है, रेशमी वर्क, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रेशमी कशीदा वर्क आएगा ये, पर ये आएगा गोल्डन कलर, सुनहरी जिसको बोलते हैं, ये पूरे पे ये ऐसा वर्क आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरे इसमें ये हो गई जो कांच जिस पर ये आप बाजू के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये वर्क आएगा इसका। तो ये आप मुझे बताइए जरूर कि मेरा कलेक्शन आपको लगा कैसे, सूटों का कलेक्शन कैसा लगा आपको। ये ओढ़नी है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइड बॉर्डर पे भी पूरे पे ये वर्क आता है, हमेशा कहती हूँ ना कि साइड बॉर्डर पे भी वर्क आएगा। तो ये इस तरीके के पूरे ओढ़नी पे ये साइड बॉर्डर पे वर्क है, या अगर ये पल्ले पे ये पूरे पे काम आएगा। ये भी मेरा ऑनलाइन से ही मंगाया हुआ, क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन से ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, तो मैंने सोचा जो सूट मैंने ऑनलाइन से मंगाए हैं तो शायद मैं आपको उनका एक बार वीडियो ज़रूर बताऊँ। तो ये आप देख सकते हैं, अब जो आपको मैं दूसरा सूट मेरा बताने जा रही हूँ ये आप देखें, ये है मेरा पूरा कशीदे वाला, कशीदा वर्क भी है तो ताही वर्क भी बोल सकते हैं आप इसको। ये चंदनी और कलर का सूट है ये, इसको पूरा सेम ही ऑल ओवर कॉटन सूट है, तो ये सेम ये काम किया हुआ है। तो इसको भी कभी मैंने पहना नहीं है, एक बार भी, फिर मैं आपको ये पूरा बता रही हूँ कि ये ऐसा आता है। ये जो तारी वर्क जो बताते हैं वो पूरा तारी वर्क ऐसा आता है, और जो रेशमी जो कशीदा वर्क आता है वो ऐसा आता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं उतना, बिल्कुल दोनों साइड ही आप देख सकते हैं, अंदर की साइड भी ये देख सकते हैं। तो ये हैवी कॉटन में ये सूट हो गया, ये जैसे मैं पार्टी वेयर वगैरह कोई छोटे मोटे फंक्शन में इनमें आप
पहन सकते हो। मैंने अभी वीडियो में शुरू में इसका पूरा वीडियो डाला है, तो वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। शुरू शुरू में मैंने इसका वीडियो डाला है। और ये है इसकी ओढ़नी मैचिंग की, जो ये इस पर तो पल्ले पे ही काम है, पर ये है कि कलर, ये ओढ़नी जो आपको मिल जाएगी ये दो कलर में मिल जाएगी। ये ओढ़नी, ये इसकी ओढ़नी आएगी। तो ये ज़रूर बताइएगा मेरा कलेक्शन आपको कैसा लगा कॉटन के सूटों का। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।